क्या दे रखा है बेटा आपने? ऐसे लाइन दे रखी ठीक है, और ये हमको दे रखा है सेपरेशन, ठीक है, और ये लाइन आपकी, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ऐसे। और ये पैरेलल बीम आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? पैरेलल बीम आ रहा है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। क्या दे रखा है? और रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और ये एक्स दे रखा है, कुछ देख लेते हैं अभी क्या है। इसकी एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2/√3, सही वैल्यू ऑफ एक्स बताना है, ठीक है बेटा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आ रही है? सबसे पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में कि मुझे क्या निकालना होगा बेटा, क्रिटिकल एंगल निकालना होगा, क्योंकि हो सकता है कि लाइट मेरी अंदर ही रह रही हो, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, सुनो मुझे, जैसे मान लो कि इसके लिए TIR हो रहा है, ढंग से समझो बात, ठीक है, ढंग से समझो बात। TIR अगर हो रहा है तो मान लो ऐसे जाएगी लाइट, तो बोलो टेंजेंशियल तो जाती है, सही है, लाइट में ऐसे जाएगी, ऐसे आई और ये ऐसे चली, सही है, ये पॉइंट आ गया पक्का, ये थीटा हो गया, क्या हो गया बेटा? थीटा। अब मेरी बात सुनो, अगर इससे बड़ा एंगल होगा, इससे क्या होगा बेटा? बड़ा एंगल, तो क्या होगा इससे बड़े एंगल के लिए? क्या होगा? लाइट अंदर ही रह जाएगी, लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट करेगी बेटा, अरे बोलो। और इससे छोटे एंगल की लाइट क्या करेगी? बाहर निकल रही होगी, अगर छोटे एंगल के लिए बाहर निकल रही होगी, एंगल छोटा होगा तो रिफ्रेक्टिव एंगल भी छोटा ही होगा, सही है। तो ये बनेगा बेटा, ये आपकी लेंथ, आपको एक्स निकालना, ये आपको एक्स निकालना, बोलो समझ में आई इतनी बात? सही है। अब क्या करोगे? अब ये 90 डिग्री है, ये भी दिखाई दे रहा है 90 डिग्री है, अरे परपेंडिकुलर है कि नहीं है? अब एक काम करूंगा, क्या करोगे? ये रेडियस आर, ठीक है ना, इसको देखो, आर प्लस एक्स यानी 5 सेंटीमीटर प्लस एक्स अपॉन ये आर प्लस एक्स, है ना, तो ये बन गया आपका 5 अपॉन 5 प्लस एक्स, ये थीटा एंगल हो गया ना अल्टरनेट से, तो हो गया 5 अपॉन 5 प्लस एक्स, क्या हो गया? कोस थीटा, सही है बेटा। और अगर थीटा क्रिटिकल एंगल है, अगर थीटा क्रिटिकल एंगल है तो क्या करोगे आप? थीटा क्रिटिकल एंगल है तो एन एन कितना है? 2/√3 इंटू साइन थीटा इक्वल टू, बाहर हवा है और एंगल 90 है, तो साइन थीटा आ गया √3/2, तो थीटा 60 आ गया, थीटा 60 डालते ही 1/2 हो गया, ये हो गया 10 इक्वल टू 5 प्लस एक्स, तो एक्स आ गया 5। बोलो आई बात समझ में? बोलो आई बात समझ में? है ऑप्शन दे रखा है ऐसा कुछ? मल्टीपल है, मोर देन वन है, ऑप्शन दे रखा है भाई 5 सेंटीमीटर, बोलो आया समझ में? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोला था? 6 के बाद, यस, आदित्य गोविंद कराया आपने पेपर? आदित्य गोविंद कराया आपने पेपर? आदित्य ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 18 पूछ रही है साक्षी, चलो 18 को देख लेते हैं। 18 में क्या है, देखो ध्यान से सुनो बेटा, 18 में पढ़ने पड़े क्वेश्चन। फिगर शोज अ स्मॉल ब्लॉक सस्पेंडेड वर्टिकल स्प्रिंग यूजिंग आइडियल स्प्रिंग, ठीक है, इनिशियल स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ एंड मास इज 1 मिलीमीटर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ दे रखी है, पहले इतना बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपको मिरर दे रखा है, ठीक है, और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक, ठीक है, और ये आपको स्प्रिंग दे रखा है, और ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है बेटा, है ना, ऐसा ही तो है। ये ब्लॉक है, इसका मास कितना है? मास इसका m है, जो कि 10 ग्राम है, यूज करेंगे अभी, ठीक है ना,
है स्प्रिंग कांस्टेंट, के की वैल्यू कितनी है बेटा? के की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, सही है। और ये 1 मिलीमीटर ऊपर है, कितना ऊपर है बेटा? 1 मिलीमीटर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही। अब क्या है, गिवन द मास, ठीक है, फोकल लेंथ दे रखी है इसकी, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अच्छा इसका ये भी दे रखा है कि कितनी दूरी पे है, है ना। चलो इसकी भी जरूरत पड़ेगी वैसे, देख लेते हैं, पढ़नी तो चाहिए, कितना रखा है 30 सेंटीमीटर। ये सारा डाटा गिवन है, अब क्या गिवन है, एम्पलीट्यूड होता है इमेज ऑफ द ब्लॉक फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इन मिलीमीटर, ठीक, एम्पलीट्यूड पूछा है। हाँ भाई कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो मीन पोजीशन आएगी, मीन पोजीशन कहाँ पर आती है, जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होगा तो आएगा एम जी इक्वल टू के एक्स, देखो इधर एम जी इक्वल टू के एक्स मीन पोजीशन होगी। अब m कितना है बेटा 10 और g कितना है 10 और ये नीचे हो गया 1000 और k कितना हो गया 100 into x से कट गया, कितना आ गया है x आ गया, ये 1 मिलीमीटर ही तो हो गया 10 की पावर माइनस 3। अब समझो यानी ये मीन पोजीशन है, ये क्या है मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन वाली लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन आपकी मीन पोजीशन वाली लाइन है, ठीक है पक्का, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है। मीन पोजीशन वाली लाइन जो है बेटा आपकी कौन सी लाइन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन वाली लाइन है, यहां तक क्लियर है एकदम, ये समझ में आना, यहां तक ये समझ में आया, बोलो ये साक्षी क्लियर है यहां तक, साक्षी का डाउट है ये, ठीक है। अब आता है एम्पलीट्यूड की कहानी, अब सुनो बेटा आपको मैंने, आपको एक चीज पढ़ाई गई होगी, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ कि जब स्प्रिंग को छोड़ते हैं सबसे पहले तो वो अपनी नेचुरल लेंथ ट्रेन करता है, फिर वो जितना स्प्रिंग मैक्सिमम खुल सकता है उतना खुलता है, ठीक है, और मैक्सिमम कितना खुलता है, मैक्सिमम कितना खुलता है बेटा बोलो, 2 mg/k के बराबर। आपको ये बात पता है या नहीं पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये बात पता है आपको कि मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग बाय इट्स ओन वेट इट्स 2 mg/k, आर यू ऑल वेल नोन अबाउट दैट, मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग इज 2 mg/k, आर यू ऑल वेल नोन अबाउट दैट, ओके। अब सुनो तो 2 mg/k मैक्सिमम इलोंगेशन है, तो यानी यहाँ पे ये mg/k तो हो चुका, यानी ये इतना mg/k जितना, यानी 1 मिलीमीटर ये आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अरे बोलो बेटा नीचे की तरफ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ना यहाँ पे, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, और वो कितनी होगी मीन पोजिशन से, ये 1 मिलीमीटर ही होगी। तो ये एम्पलीट्यूड ऑब्जेक्ट का आया, इमेज का नहीं आया अभी, किसका आया, ऑब्जेक्ट का आया। अब कहानी खत्म है, इमेज के लिए तो बस कुछ नहीं करना जी, मैग्नीफिकेशन निकालनी होगी, तो क्या करोगे, 1/v + 1/u = 1/f, u कितना है, उधर है तो नेगेटिव ले लेते हैं, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है, -1/30 फोकल लेंथ नेगेटिव है, -1/20 कितना आएगा बेटा, ये -60 आएगा तो मैग्निफिकेशन कितनी होगी, -v/u, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जब नीचे गया, जब नीचे गया तो इमेज बनेगी 60 पे, अब समझो कैसे, ऐसा जब नीचे जाएगा तो इमेज बनेगी 60 पे, सबसे पहली बात 30 है, और कितनी बनेगी, -60, और यू कितना है, यू कितना है बेटा, यू है -30, तो नेगेटिव का 2 आ रहा है ना, यानी ये नीचे है तो कहाँ बनेगी, ऊपर बनेगी, और कितना, 2 मिलीमीटर, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इमेज का बनेगा 2 मिलीमीटर, क्या आंसर दिया बेटा इसका, क्या आंसर दिया, मेरे पास आंसर नहीं है इसके, दो ही है इसका आंसर, ठीक ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, आसान है, अरे बोलो, ठीक है, एक सेकंड रुकना, यहाँ आवाज आ रही है, मैं कुछ बंद करवा के आता हूँ इसको, एक सेकंड रुक।
है भाई, क्लियर है क्वेश्चन दोनों? यस ठीक है, स्वयं क्वेश्चन नंबर 19, साक्षी क्वेश्चन नंबर 19। चलो देखते हैं, ये आ गया समझ में? ये आ गया समझ में सबको? आ गया अच्छे से? आगे बढ़ू? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ये दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक की? ये दूरी कितनी होगी? होगी ना, है ना? स्क्रीनशॉट लेना ले लो, स्क्रीनशॉट लेना लेना लो। अच्छा 19 क्या है? अ ग्लोइंग स्फेरिकल बल्ब ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर सिचुएटेड एट हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, देख लेते हैं। कहीं ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से कितना ऊपर? 5 मीटर ऊपर और 10 सेंटीमीटर का एक बल्ब जल रहा है, ग्लोइंग बल्ब, मतलब वो लाइट निकाल रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, जाहिर सी बात है मैं सेंटर से मानूंगा 5, है ना, क्योंकि वो सेंटीमीटर में, ये 5 मीटर ऊपर चल रहा है और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। चलो ठीक है ना, ये ब्राइट है, मतलब ये लाइट निकालेगा, ये लाइट निकालेगा, सही है, ऐसा ही है ना? अरे ऐसा ही तो है, लाइट निकालेगा। ठीक है ना, अभी तक तो इतनी इन्फॉर्मेशन ही, आगे देख लेते हैं क्या करेंगे। अच्छा आगे क्या है सर? रेड रेडियस 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, फिर क्या है? एन अपेक स्फेरिकल बल्ब ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर सिचुएटेड एट हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अच्छा, तो यहाँ पर कहीं एक और बल्ब है, चलो इसमें बना लेते हैं। इसका डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, और ओपेक है ना, क्या है? ओपेक है। अच्छा ठीक है, फिर क्या हो रहा है? ये 1 मीटर ऊपर है। अच्छा, इसका सेंटर यहाँ से 1 मीटर ऊपर है, ठीक, और ये दूरी कितनी है? 5 मीटर ऊपर। ठीक है, अब सेंटर्स ऑफ द बल्ब लाइंग ऑन द सेम वर्टिकल लाइन इफ द रेडियस को, अगला क्वेश्चन, अच्छा ऊपर है, इफ द रेडियस ऑफ अम्ब्रा इज आर नॉट एंड आउटर रेडियस ऑफ पेनम्ब्रा इज क्या? हॉरिजॉन्टल इज क्या? आउटर रेडियस क्या दे रखा है पेनम्ब्रा का? कैपिटल आर, कैपिटल आर मान रहा है क्या आउटर रेडियस को? आउटर रेडियस को कैपिटल आर मान लो फिर, क्योंकि कैपिटल आर नीचे पूछ रहा है ना आपसे, आउटर रेडियस को कैपिटल आर मानना पड़ेगा ना, क्योंकि पूछ रहा है आपसे, थोड़ा इंफॉर्मेशन थोड़ी अधूरी सी है। 3R/R0 की वैल्यू आपसे पूछता है, ठीक है ना? अच्छा भैया, ये अम्ब्रा और पेनम्ब्रा बताता हूँ भैया, क्या ये अम्ब्रा और पेनम्ब्रा बहने हैं ना, उनके बारे में बताता हूँ, क्या कौन सी बहने हैं। सर ये अम्ब्रा पेनम्ब्रा होते क्या है? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा सुना नहीं तुमने अम्ब्रा पेनम्ब्रा के बारे में? ठीक, कोई बात, देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात, जब लाइट गिरेगी ना, तो मैं आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखाता हूँ थोड़ा सा, शायद अगर समझ पाओ तो ढंग से समझो। ये टच करती जाएगी, ये फील आता है कि नहीं आता? अरे बोलो, ये फील आता है या नहीं आता? अगर डायरेक्ट आती है, अगर डायरेक्ट आती है तो, अरे इसके अंदर तो नहीं जा सकती लाइट, यहाँ लाइट आ जाएगी क्या? यहाँ लाइट है क्या? आपको फील आ रहा है इतना? अरे बोलो, ठीक है ना? ये तो हो गया आपका अम्ब्रा, क्या ये रेडियस ऑफ अम्ब्रा?
ये रेडियस है अम्बर का, इसको बोलते हैं आर नोट। ठीक है, अब आपका खेल किसका है? पनम्बरा का। अच्छा, आउटर रेडियस। अब आउटर रेडियस कैसे बनेगा सुनो मेरी बात, ठीक है? आउटर रेडियस बनेगा इसका, ये उठा लो थोड़ा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको फील आए, ठीक है ना? ढंग से समझो, इसका ये उठा लो और इसका ये उठा लो, समझे? और एज इट इज इसका ये उठा लो और ये कहीं सेंटर में सेट कर रहा है तो ये लंबी बनेगी कहीं ना कहीं, है ना? कहीं ये कहीं ऐसे बनेगा और ये वाला पॉइंट कहीं ऐसे बनेगा, ठीक है? मतलब अगर इधर से लाइट्स गिरेंगी ओपेक, समझ रहे हो, सॉरी ओब्लिक, तो ये रेडियस कितना होगा, ये वाला रेडियस, इसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। वेलो पहले तो अम्ब्रा पेनम्ब्रा समझ में आया क्या है, ये क्या है, ये हो गया अम्ब्रा, ये हो गया पेनम्ब्रा, ठीक है? ठीक है, अब थोड़े सर्कल वर्कल टाके थोड़ा साफ सा सुंदर से डायग्राम बना लेते हैं जिससे जल्दी आंसर आने की कोशिश हो सकती है ना। लगनी इसमें ज्योमेट्री है, लगनी इसमें ज्योमेट्री है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, आगे लगनी इसमें ज्योमेट्री है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना? देखो सुनो मेरी बात, सीख लो पहले, सीख लो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीख लो, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन बेटा, अभी तक तो मैं अभी इसको हल्के में ले रहा था लेकिन ठीक क्वेश्चन है, अभी इसमें ज्योमेट्री ठीक लगेगी, देखो सीख लो, थोड़ा बढ़िया डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं पेज अलग कर दूं, पेज अलग कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पेज अलग करूंगा, इसको ही जूम कर दो। अच्छा जी ठीक है जी, लो इसको ही जूम कर दो पहले, ले क्या याद रखेगा, ठीक है, किससे बोला, ठीक है, पता क्या, मैं डायग्राम और बना लेना, फिर चल रहने दे, अगला ही पेज दूंगा, ठीक है? देख भाई ये लेंथ जो है तेरी, ढंग से देख, ये डायमीटर बना रहा हूँ ना उसका, किसका किसका, ग्लोइंग बल्ब का, ठीक है ना? ये ग्लोइंग बल्ब का डायमीटर है, ठीक है? और जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उस हिसाब से, अगर इसकी एक्सिस सेम रखता हूँ मैं तो ये चीज वाली लाइन ये बनती है ना, ये सेंटर वाली लाइन ले लेते हैं, डायग्राम में है, बस सारा कुछ डायग्राम में है, जहां तक मुझे लग रहा है सब डायग्राम में ही मिल जाएगा, देखना ज्यादा सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। और ये हो गया आपका, ठीक है, और ये लाइन अलग कर देते हैं, रेड कर देते हैं, और ये ऐसे, ठीक है जी, और इसको बोल्ड भी कर देते हैं, रेड होने के साथ साथ बोल्ड भी कर देते हैं, ठीक है जी। ये हो गया आपका उसका डायमीटर, ग्लोइंग बल्ब का, ये ओपेक बल्ब का डायमीटर है ना, और आना है ऐसे लाइट ने, और अम्ब्रा ने ऐसे आना है, अम्ब्रा ही बना लेता हूँ, देखो सुनो, अच्छा इसकी हाइट भी अलग अलग है, तो कहीं ग्राउंड मान लेते हैं, कहीं ग्राउंड कहाँ पे होगा, ग्राउंड का लेवल ले लेते हैं, ये ग्राउंड का लेवल होगा, मान लो ये ग्राउंड का लेवल, ठीक है ना, ये 1 मीटर है सिर्फ, है ना? ये दूरी कितनी है, थोड़ा डायग्राम देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ होगी तो आप जिम्मेदार होगे, पहले बता रहा हूँ, ढंग से देखो, इसलिए 1 मीटर है, और ये कितना है, ये हाइट कितनी है, सॉरी हाइट 5 मीटर है ना, 5 मीटर थी ना, अरे 5 ही थी, कुछ और थी, 5 ही थी ना, 5, ये हाइट है 5 मीटर, अच्छा कोई नहीं, आप समझो 1 मीटर 5 मीटर, इसका रेडियस कितना बना था फिर, रेडियस रेडियस बना था 5 सेंटीमीटर की 10 था ना, और इसका 5 था तो इसका बनेगा 2.5, अरे ऐसे ही तो है, इसको लिख दिया, ठीक है, इसका रेडियस 2.5, ऊपर वाले का रेडियस 5, ठीक है, ये कहीं ग्राउंड है, ठीक है। अब पैच बनेगा तो जाहिर सी बात है, पैच अगर ऐसा बनेगा, ढंग से देखो मैं जो बना रहा हूँ, मैं पैच ही बना रहा हूँ, ये पैच अगर ऐसा ही बनेगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, कैसे समझो, ये पैच ऐसा बनेगा अगर सीधा आएगा तो, और ये सीधा आएगा तो, जो कि अम्ब्रा है, अरे अम्ब्रा तो ऐसा ही है ना, और अगर इसको मैं आगे प्रोड्यूस करूं, ये सीधी लाइन है, थोड़ा सा गंदी बन गई है, कोई नहीं, हजम कर लेना, ठीक है ना,
अरे कर लोगे हजम? ये ऐसे है और ऐसे सीधी आ रही है, ठीक है ना, ये सीधी आ रही है। अरे कर लोगे इसको, डाइजेस्ट कर लोगे? अरे कहीं मिलती भी तो मैं बनाऊंगा ज्योमेट्री के लिए, ज्योमेट्री के लिए मिलती तो दिखाऊंगा। अच्छा, और पेनम्ब्रा कहाँ है? पेनम्ब्रा ऐसे है और ऐसे है ना, इससे कटना है। ठीक है, देखो देखो भाई, देखो सीखो। एक तो अच्छा इससे कटना है ना ऐसे है, और इधर से इससे कटना है तो ऐसे है, यही है ना। ये होगा आपका, ये हो गया आपका, आपका वो क्या बोलते हैं उसको, पनम्बरा, कैपिटल आर, ठीक है ना भाई? ये वो कैपिटल आर हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका ये वाला हिस्सा, स्मॉल आर नोट, ठीक है ना, ऐसा ही है। अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर इस एंगल को बोलूं अल्फा, क्या बोलूं, अल्फा, तो मैं अगर इस हाइट को बोलूं, मान लो इस हाइट को मान लो आप एक्स, ठीक है, तो आर नोट अपॉन एक्स टैन अल्फा है कि नहीं है? आर नोट अपॉन एक्स टैन अल्फा, ठीक है, आर नोट अपॉन एक्स टैन अल्फा हो गया। अच्छा अब ये कितना है, ये 2.5 है और ये 1+x है, तो 2.5 अपॉन, मैं ऊपर ऊपर वाले मीटर पर रख रहा हूँ, सेंटीमीटर में, ठीक है ना, 2.5 अपॉन 1+x, वो भी टेन अल्फा हो गया, और बड़ी वाली ट्रायंगल में 5 है, ये 5+x हो गया, कितना हो गया, 5 अपॉन 5 अपॉन 5+x, ठीक है भाई? बोलो यहां तक समझ में आया नहीं आया? बोलो यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया? सही है सर? लोग, अरे जिसका डाउट है यस तो बोलो। ठीक, अब इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 12 पंजे 25 पंजा 12.5 +2.5x (5+5x) है ना, ये हो गया 2.5x, तो कितना हो गया, 12.5 7.5, तो x आ गया 3, वेरी गुड, x 3 आ गया, x कितना आ गया, 3, x 3 आ गया, तो r नॉट आ गया। अब क्या करोगे, r नॉट अपॉन 3 इज इक्वल टू 2.5 अपॉन एक्स थ्री आ गया ना, 4.5, ठीक है भाई, ये कितना हो गया, 3 से गया 1.5, ये कितना आ गया, 1.5 आ गया ना, देखना ठीक लिख रहा है, ठीक लिख रहा है एकदम, बोलो क्लियर है एकदम। एक्स थ्री आ गया ना, तो 3 डालो, आर नोट अपॉन 3, 2.5 अपॉन 3+1 4 होगा ना, 4.5 सुनना होगा, क्या ध्यान दे यार, क्या कर रहे हो, 4 है ना, तो कितना होगा ये, 25 या 75/4, आर नॉट आ गया 75/40 ना, ये आ गया 8 और ये आ गया 1/5, 15/8 आ गया, ठीक है, 15/8, ठीक है, आर नॉट आ गया। अरे भाई आर नोट आ गया, बोलो समझ में आया, इतना इतना समझ में आया, बढ़िया से, सही है सर नो, सही है सर नो, ओके, आर नोट आ गया, तो वैसे ही बड़ा आर निकालेंगे, बड़ा आर कैसे निकालेंगे बताता हूँ, इतना समझ में आया ना, बड़ा आर के लिए देखो, बड़ा आर के लिए हटाओ इसको, इसको हटाओ, बड़ा आर समझाओ, नेक्स्ट पेज, और समझो ये ऐसे था, छोड़ो इसको हटाओ, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है, ऐसे है, मान लो ठीक है, और कैसे है ये लाइन होगी आपकी ऐसे, ओके,
गई, अब ये लाइन कट के हो गई। ऐसे और ये लाइन हो गई ऐसे, बोलो सही है। और यही तो है आर नॉट। ऐसी तो डायग्राम है ना। अरे बोलो क्लियर है? अब समझो, अब ये क्या है? ये है आर, कैपिटल आर, ठीक है। ये क्या है? बीटा। अच्छा, अब ये तो वन था यहां से यहां तक, है ना, इनकी ओपेक है। और ये क्या था? ये फाइव था, है ना। अब इसको मान लो ये बीटा है, तो ये भी बीटा है ना। तो इसको मान लो, इस लेंथ को मान लो, इतनी इससे वाली लेंथ को मान लो, ये दिख रही है आपको लेंथ, इसको मान लो वाई। क्या मान लो? वाई। अब सुनो क्या आया, आर अपॉन वन प्लस वाई, आर अपॉन वन प्लस वाई आया टेन बीटा, जो कि आया ये कितना है? ये कितना था जल्दी बोलो, ये कितना था? छोटा बल्ब, ढाई, ढाई अपॉन वाई, जो कि ढाई अपॉन वाई है। और ऊपर से देखो तो ये कितना है? ये कितना है? पांच। और ये कितना बचेगा? पांच देखे चार, चार माइनस वाई आएगा, पांच अपॉन चार माइनस वाई। अरे बोलो, पांच अपॉन चार माइनस वाई, ठीक है। अब तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 10 माइनस ढाई वाई इज इक्वल टू 5 वाई, तो आ गया 10, आ गया 7.5 वाई, तो वाई आ गया 10/7.5, ठीक है। और अब डाल दो आर में, आर आ गया 100/4/3 आ गया ना, तो 1 + 4/3 3 r/7, 2.5/4/3, ठीक है। ये तो आया ना। अरे बोलो 4/3, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया बताओ? इसमें 40 हो गया, कितना हो गया? 5 8, 35/8 आ गया आर, आ गया 35/8, आर आ गया। और ये आया था 15/8, पूछा गया है 3 r/r0, 35/8 अपॉन 15/8, 8 से 8 गया, आ गया 5 7, आंसर आएगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? क्या दे रखा आंसर? 5 गिवन है, 5 गिवन है। सॉल्यूशन वगैरह दे रखा है इसका? सॉल्यूशन में क्या दे रखा है? सॉल्यूशन में 5 दे रखा है या 7 है? सॉल्यूशन में क्या गिवन है, 5 या 7? कहाँ है सॉल्यूशन इसका? सोल्यूशन वगैरह मिले थे, कहाँ है इसका सोल्यूशन? इसी पेपर में है क्या जो तुमने मुझे भेजा था साक्षी? अच्छा देखने दो, देखने दो, रुक जाओ। अच्छा ये रहा, अच्छा रुक जाओ 2 मिनट, देखने दो कि मेरी कैलकुलेशन गलती है या इसकी कैलकुलेशन गलती है। 2 मिनट देखने दो। देखो इसने आर नोट तो 15/8 ही निकाल रखा है, देखो इसने सॉल्यूशन, देखो सभी बच्चे, आर नॉट 15/8 ही निकाल रखा है इसने। अरे चेक करो, आर नॉट की वैल्यू 15/8 मिलेगी, चेक किया? अरे बोलो सही यस और नो, 15/8 ही निकाल रखा है। और आर निकाल रखा है 3.125, और हमारा क्या आ रहा है? हमारा 35/8 आ रहा है। कितना आ रहा है 35/8, कितना होता है? 32,
चार पॉइंट कुछ आ रहा है ना हमारा, तो हमारा 4.3 है ना, 4 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो हमारा आर गलत आ रहा है इसका, मतलब देख लेते हैं। अच्छा एक काम करो तुम ना, मेरे को गलती मिल गई, देखो सुनो मेरी बात सुनो, तुम ये लिखा है ना सबसे नीचे वाली लाइंस देखो, नीचे वाली लाइंस जहां इसने O2O4 की वैल्यू 400 निकाली है, O2O4 की वैल्यू 400 निकाली है ना इसने, देखो वो गलत निकाली है, वो गलत है, O2O4 की वैल्यू 400 गलत निकाली है इसने, देखो कैसे, 400 से ऊपर वाली इक्वेशन देखो, 400 से ऊपर वाली इक्वेशन, अरे आपको मिल रहा है सही है सोनो, 400 से ऊपर वाली इक्वेशन देखो, 5O2O4 और उधर जाके 2.5O2O4, 7.5O2O4 हो गया ना, नीचे से लिख दिया 2.5, अरे मिली गलती, अरे गलती मिली या नहीं मिली, अरे यार कमाल हो गई, मैं कैसे भेजूं तुम्हें फोटो खींच के, इसको जूम करके भेजूं क्या, ये देखो इसमें दिख रहा है लेंस में, ये दिख रहा है कैसे, ये देखो ना लिखा नहीं यार 5O2O4, मिल गई ना सबको, अपना सात आंसर ठीक है, 7 इज द करेक्ट आंसर, 7 इज द करेक्ट आंसर, और बोलो और बोलो और बोलो, दिखाऊं स्लाइड्स दिखाऊं, फोटो खींचनी है तो खींच लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, जूम कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये पहला स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, क्वेश्चन अच्छा है ये, इसलिए पहले हल्का लग रहा था लेकिन जब करने लगा तो ठीक लगा, ये ले लो, आया समझ में, बोलो और क्वेश्चन बोलो और बोलो, कर लिया था किसी बच्चे ने क्वेश्चन, सात कर सात आंसर आया था किसी का, बोलो बोलो, अरे बोलो और सवाल बोलो भाई, खत्म इस टेस्ट के, अच्छा चलो नेक्स्ट टेस्ट कौन सा था, टेस्ट 9 फिजिक्स 7 खोलो, टेस्ट 9 फिजिक्स 7 खोलो, टेस्ट 9 फिजिक्स 7, टेस्ट 9 फिजिक्स 7 कौन सा क्वेश्चन, 8 8 कहाँ है, द ग्राफ ऑफ रेडियल कंपोनेंट ऑफ ई एज ए फंक्शन ऑफ आर, ABCD क्या है, ये ABCD क्या है, तो इनकम्प्लीट है भाई क्वेश्चन ही बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 इज इनकम्प्लीट, क्वेश्चन नंबर 8 इज इनकम्प्लीट भाई, क्वेश्चन तो बताओ तभी तो ग्राफ बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 इज इनकम्प्लीट, क्वेश्चन ही नहीं बताया ग्राफ कहां से बता दूं बताओ, सही यस और नो, अगर एग्री हो तो यस और नो बोलो, ठीक है और बोलो, क्वेश्चन नंबर 8 इनकम्प्लीट है, और बोलो, 13 13 देख लेते हैं, 13 13 13 का, अच्छा देखो भाई 13 देखो क्या है, फर्स्ट एन ऑब्जेक्ट इज स्लोली लिफ्टेड फ्रॉम बॉटम पॉइंट ए ऑफ अ शाफ्ट ऑफ डेप्थ h1 r/2 टूवर्ड सरफेस, दैट इट इज स्लोली लिफ्टेड टू अटेन r/2 वर्क डन परफॉर्म, अच्छा ठीक
ठीक, देखो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है क्वेश्चन, ये कर सकते थे यार, पता नहीं क्यों नहीं करा तुमने, कर सकते थे। देखो मेरे को एक सिंपल सी बात बताना है ना, ये अर्थ है, शार्प शूट वैसे ही दे रखा है तो कंफ्यूज करने के लिए, कुछ नहीं है। ठीक, मैं समझाता हूँ, फील लेना, फील लोगे तो मजा आएगा, वरना कोई मजा नहीं है। अब समझो, ये दिख रहा है आपको पॉइंट, मैं वाइट से करूंगा। हाँ ठीक, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, यहां से यहां ले जाना है ना, वर्क, वर्क पूछा है किसका, ग्रेविटेशन का पूछा है, एक्सटर्नल पूछा है, कितना करना पड़ा, वो एक्सटर्नल का अपोजिट आएगा, स्लोली है तो ग्रेविटेशन का अपोजिट आएगा ना, तो ग्रेविटेशन का निकाल लेते हैं, ग्रेविटेशन का वर्क डन बाय ग्रेविटी, जब वो कहाँ जा रहा है, आर बाय टू से आर जा रहा है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएबल है, आर का फंक्शन है, बोलो ये बात समझ में आती है या जाती है, ये बात समझ में आती है या जाती है, आती है। जाती तो नहीं है ना, बोलो इलेक्ट्रिक इसकी ग्रेविटी की वैल्यू, बोलो जी की वैल्यू, जी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से कर लो उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड से, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का ध्यान रहता है ना, कंफर्टेबल रहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना, एक किस्म से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के रिप्लेस हो जाएगा जी एम अंदर अंदर अपॉन आर क्यूब इंटू आर, बोलो ये याद है या नहीं याद है, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब अंदर इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब से, यस और नो, अब करना क्या है फिर, इसको ये लिख दो एम जी इंटू एम जी, फोर्स आ गया जी एम आर अपॉन आर क्यूब फोर्स है ना, और इसको एम से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या करूं बताओ, आर बाय टू से आर, ये वर्क आ गया कि नहीं आ गया, बोलो ये वर्क आ गया, अरे बोलो, अब बाहर वाला वो कह रहा है फिर आर बाय टू से, फिर आर से आर बाय टू ले गए, यानी फिर लिमिट डलेगी, अब बाहर आउटसाइड आउटसाइड बोलो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये बंद हो गया, जरा पैर लग गया, पैर लग गया इसके लाइट के ऊपर, बंद हो गया, 2 मिनट हो गया, पेपर हम लोग संडे को कर लेंगे, ठीक है ना, एक टेस्ट 8 रह रहा है ना बीच वाला, वो संडे को कर लेंगे, तो फिर आपका काफी हद तक हम कवर हो जाएगा ना, फिर मंगलवार से ट्रैक, अरे पुराना फिर नहीं लोड हो रहा है, छोड़ो। अच्छा मुझे ये बताओ कि अंदर वो समझ में आ गया, वर्क समझ में आ गया, अब जब बाहर, सॉरी, जब बाहर जाओगे एक किस्म से, जब यहां से जाओगे यहां तक, ये है आर और ये आर बाय टू, तो कितना चले गए, 3 आर बाय 2 जाना है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जी, जी की वैल्यू बोलो, जी की वैल्यू है जी एम अपॉन आर स्क्वायर अंदर, वेरिएबल है, अरे भूलो मत इसको, कुछ याद है, याद है ना, ठीक, अब आर वेरिएबल है ना, आर वेरिएबल है, वर्क लिखना है तो एम जी मास से मल्टीप्लाई करो जी एम, अरे यार
बोर्ड बंद हो रहा है बार बार, एक सेकंड रुको। लाइट हो रखा था, एक सेकंड रुको, बोर्ड बंद हो रहा है। गिव अ सेकंड टू मी। अब बस कुछ नहीं करना, जीएम अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया इनटू एम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी आर, इंटीग्रेट आर से थ्री आर बाय टू, इंटीग्रेशन आर से थ्री आर बाय टू। अरे समझ में आया या नहीं आया, लिख के दिखाऊं या आ गया, लिख के दिखाऊं या आ गया। अब कुछ नहीं करना, फिर बट डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू आगे रिलेशन निकाल लोगे, उसमें क्या करना है बताओ। करूं लिख के दिखाऊं, लिख के दिखाऊं या आ गया। अरे आ गया तो सब बच्चे बोलो यस सर, सब आ गया तो यस सर बोलो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक चलो नेक्स्ट बोलो। निधि मेहरा नो सर, निधि मेहरा वर्क लिखना है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी आर, बस कुछ नहीं करना। फोर्स कैसे लिखेगी, एम जी, एम तो एम है और जी बदल रहा है, जो जो जी बदल रहा है वो आर की फंक्शन लिख ले, इंटू डी आर करके डॉट वो कर ले इंटीग्रेट। ठीक है और बोलो, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 16। अ वेरी लार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन कैरिंग चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, अच्छा इट इज प्लेस इन अ मीडियम, अच्छा प्लेन लीक्स द चार्ज सराउंडिंग, चार्ज बिकम वन बाय एन टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, अच्छा चलो देखते हैं। ये थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन लग रहा है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ऐसा कुछ है ना। अभी कुछ शीट दे रखी है अपने को, क्या दे रहे हैं, मीडियम दे रखा है ना, ये नॉन कंडक्टिंग है ना, और इस मीडियम के थ्रू चार्ज लीक कर रहा है ना, चार्ज लीक कर रहा है, चार्ज लीक कर रहा है तो जाहिर सी बात है चार्ज कम भी हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है तो करंट भी बन रहा है। ठीक है तो जोड़ते हैं, जुड़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, जुड़ जाएगा। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ कि मान लो किसी भी इंस्टेंट पर क्यू चार्ज है, ठीक है, तो क्यू चार्ज है तो यह आया आपका, देखो मेरी बात सुनो, हमें करंट जे इज इक्वल टू सिग्मा ही पता है आपको, पता है या नहीं पता है, है ना, जे इज इक्वल टू सिग्मा ही पता है या नहीं पता, ये बताओ। नॉन कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, जे ही पता है करंट अपॉन एरिया, तो दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें, दिक्कत आनी ही चाहिए। इसको लिखो करंट अपॉन एरिया, इसको लिखो वन अपॉन रो, और ये लिखो सिग्मा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, सिग्मा वन अपॉन रो है ना, हाँ तो सिग्मा ये दूसरा, ये सिग्मा दूसरा, मैं लिख देता हूँ इसको, ये है चार्ज अपॉन, चार्ज अपॉन एरिया इंटू टू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आएगा अगर अगर मीडियम एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन आएगा, एरिया से एरिया कट गया, भाई हो गया माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्यू अपॉन टू रो ई, तो डी क्यू आ गया माइनस डी टी टू अपॉन रो ई, इंटीग्रेट इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, वन बाय एन टाइम्स, तो कितना था मान लो जो भी था, क्या करें कितना था चार्ज, क्यू था तो क्यू से क्यू बाय एन नहीं हो जाता, तो जीरो से टी टाइम में तो आसान है कुछ, में से ज़्यादा मुश्किल था नहीं, तो एल एन ये हो गया एल एन वन बाय एन, और ये हो गया माइनस टी बाय टू रो ई, तो माइनस हटाओगे तो एल एन एन आ गया, एल एन एन इंटू टू रो ई टाइम आ गया ना, तो पूछा क्या इस, क्या देखते हैं सिक्स रो ई
LN2 ये तो रखा ना अपने को। अरे ये तो दे रखा है, ये तो दे रखा है बेटा, और कुछ तो नहीं दे रखा ना। अरे क्लियर है तो टाइमिंग क्विट करने हैं। अच्छा सुनो कितना आ गया, LN N आ गया, LN2 इंटू थ्री LN आ गया, LN2 की पावर 3, LN कट गया, N आ गया 8। बोलो आया समझ में, आंसर क्या गिवन है इसका भाई, इसका आंसर क्या गिवन है? हाँ अरे यार ऐसे सुन, 8 है ना बस, ठीक है फिर आ गया, आसान क्वेश्चन था ये तो, 8 है फिर आ गया बस, ठीक मजे करो। बोलो क्लियर है, क्लियर है, बोलो क्लियर है भाई। ये जोड़ना आना चाहिए, देखो मैंने जैसे जोड़ा समझे, ये तुम्हें भी आना चाहिए। पार्ले जी को 14 चाहिए। अच्छा फोर्टीन क्वेश्चन किस चीज का डाउट है? फोर्टीन क्वेश्चन बाकी सबने कर लिया। अरे गीतांजे, ये गीतांजे लड़का है लड़की है? अगली सुबह एक बार बॉय, ठीक फिर ठीक। क्या है, क्या सवाल क्या है? को लैटिट्यूड ऑफ एनी पोजीशन ऑन अर्थ इज द एंगल सेंटर। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अबे कम्युनिकेशन का नहीं है ये, ग्रेविटेशन का सवाल है, कम्युनिकेशन का नहीं है इसमें। हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो देखते फिर आगे करते रखिए। चलो और तो ठीक है, और था तो ये कहीं सेंटर होगा, ये कहीं लाइन होगी है ना। अब जियो स्टेशन सेटेलाइट कहाँ है, जियो स्टेशन सेटेलाइट कहाँ है भाई? एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा इसका रेडियस आर मान लो, इसका रेडियस मान लो आर, और इसका मान लो एच, ये जियो स्टेशन सेटेलाइट है ना, सेटेलाइट। चलो अच्छी बात, अब क्या करें? अब सैटेलाइट अगर ऐसे तो ऐसे से ही घूम रही है, ठीक है ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की होगी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलो तो को लैटिट्यूड क्या है? ये एक एंगल है, लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू पोजीशन फ्रॉम, ठीक है, तो मान लो कोई भी पोजीशन एंगल है को एल्टीट्यूड, समझे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर से जिस पोजीशन पे आप जानना चाह रहे हो वहां तक लाइन ड्रॉ करो, और उसके बीच का एंगल है ना, इसको लैम्डा बोल देते हैं। लैम्डा मान लो को एल्टीट्यूड, ठीक है, सही है। अरे बोलो क्लियर है यहाँ तक? सही है सोनू, चाहिए क्या है? अब एक बात अगर सोच के देखी जाए तो वो ये है कि
ये अपनी जो रेंज देगा वो इस रीजन में देगा, इस रीजन में देगा, इस रीजन में दे पाएगा क्या ये सैटेलाइट? इस रीजन में रेंज दे पाएगी? से यस और नो। नो। इस रीजन में दे पाएगी? से यस और नो। यस। कब तक दे पाएगी? कब तक दे पाएगी? जब तक उसकी टेंजेंट नहीं बन जाता। बस बस बस, कुछ करना ही नहीं। अब तो तुम पकड़ गए, सारी बात ही पकड़ गए। अकल तो तुम्हें है, कुछ भी नहीं करना। ये टेंजेंट बना लो, इसकी टेंजेंट बना लो ना, मतलब ये लैम्डा ही होगा। थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा हल्का सा, ऐसे है ना, मैं लाइन हटानी पड़ेगी मुझे। बताते यार, तेरी ऐसे। चलो मैं साफ डायग्राम बनाता हूँ मेरा। ये है, ये हो गया, ये हो गया आपका लाइन हो गई, ठीक है। ये टेंजेंट हो गया, जहाँ टेंजेंट हुआ वहां तक की बात, ठीक है। और ये आपका, ये हो गया, हटाओ इसको। कैसे परपेंडिकुलर हो? अरे बोलो, ऐसे ही तो होगा कि नहीं होगा, कुछ और होगा? तो ये लेंथ आर प्लस एच नहीं है क्या? और क्योंकि ये लैम्डा है तो 90 माइनस लैम्डा, तो ये लैम्डा नहीं है क्या? तो ये आर नहीं है क्या? कितना आएगा साइन लैम्डा? बताओ क्या करना? पार्ले समझ में आया? पार्ले जी समझ में आया? बाकी सबको आया? बाकी सबको समझ में आया? अब इसमें एक चीज और है, एरिया ऑन अर्थ स्केप। अरे ये वो है सॉलिड एंगल, कुछ नहीं है, सॉलिड एंगल है ये। मैं बताता हूँ, हटाऊ इसको, सॉलिड एंगल है ये। अब सुनो, इसको बताता, सुनो, एरिया पूछा ये वाला। तो ये एरिया, ये वाला, तो कैसे निकालोगे? ये सॉलिड एंगल से निकाल लो, 4 पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो तो यही तो आएगा। और ये सॉलिड एंगल से कैसे निकालोगे? सेमी वर्टिकल एंगल, 90 माइनस थीटा लेना, 90 माइनस लैम्डा होगा। फॉर्मूला याद है? 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा, वो थीटा डलेगा 90 माइनस लैम्डा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? सेमी वर्टिकल एंगल होता है वो। आया? और बोलो, हो जाएगा? अब हो जाएगा? चलो शुक्र हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन डाउट आ रहा है भाई। चलो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस इन यूनिफॉर्म स्टेबल इक्विलिब्रियम लॉस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसमें क्या सुनो, में पढ़ाया गया होगा नोट्स में, पढ़ाई वाली नोट्स, नोट्स वाली चीज है ये तो एकदम, जो नोट्स में लिखवाते हैं। आपको पता नहीं क्यों ध्यान नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है ना, डाइपोल को ऊपर किया थीटा डिस्प्लेस, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। जैसे ही डिस्प्लेस करते हैं वापस आता है, रिस्टोरिंग टॉर्क लगती है इसको, ठीक है। रिस्टोरिंग टॉर्क ऊपर ले जाने वाला 0, रिस्टोरिंग टॉर्क हो गई पी साइन थीटा इक्वल टू आई अल्फा, और स्मॉल एंगल साइन थीटा थीटा, वो अल्फा आ गया माइनस पी थीटा बाय आई, तो ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, ओमेगा आ गया अंडर रूट पी बाय आई, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट आई बाय पी। बोलो यहाँ तक तो कराया होगा, ये तो नोट्स था, ये तो यहाँ तक तो आ गया होगा, नोट्स वाली चीज है ये तो, है ना। अब क्या करना है? अब पहली बार कब आएगा बताओ? कब आएगा? जब एक चौथाई चक्कर कंप्लीट होगा, एक्सट्रीम पे ले गए उसको, दोबारा मीन पे आने में कितना टाइम लगेगा? T/4 खत्म। इसको 4 टाइम्स करो, कितना आ गया? 5/4 I/P, अरे हो गया π², ये हो गया 16, और ये हो गया T² निकालना क्या है अपने को?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आई गिवन है 16 पाई टी स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, तो 16 आंसर आएगा। कुछ गलती कर दी क्या? अरे टी बाय टू आएगा ना, ये फोर से कट के टू बनेगा, नीचे टू बनेगा तो ये फोर बनेगा भाई, फोर बनेगा तो ये भी फोर बनेगा, फोर आंसर आएगा, फोर आंसर आएगा। और बोलो क्लियर है? ट्वेंटी क्वेश्चन क्या है? टू स्टार्स ऑफ मास एम ईच मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 आर। अच्छा ये मास एम है, ये मास एम है, ये दोनों रोटेट कर रहे हैं अबाउट द आर आर पे होगा, ये रोटेट कर रहे हैं, ठीक है सेंटर ऑफ मास का वो, ठीक है। अब एक और मास है जो भी, जो कि रोटेट कर रहा है सी पॉइंट के अबाउट, ताकि उसकी रिलेटिव पोजीशन से तो स्टार बदल नहीं रही, तो स्टार के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट पोजीशन पे है, जो रोटेट भी कर रहा है रोटेट भी कर रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है केस कि सेंट्रो मा एक कैसे रोटेट करेगा वो, मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है तो अलग अलग पोजीशन है, बदल रही है इसकी पोजीशन थोड़ी ज्यादा, ये हो गई पोजीशन बदल रही है, पोजीशन सेम रह नहीं सकती। ये तो तब हो सकता है, ये तो तब हो सकता है जब जो स्टार्स हैं वो अपने सेंटर ऑफ मास के बोर्ड रोटेट ना करें, किसी एक्सटर्नल पॉइंट सी के बोर्ड रोटेट करें, तब हो सकता है। जो स्टार्स हैं वो अपने सेंटर ऑफ मास के बोर्ड रोटेट ना करें, किसी एक्सटर्नल पॉइंट सी के अबाउट रोटेट करें, एक्सटर्नल पॉइंट हो, ये सेंटर ऑफ मास नहीं होना चाहिए, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास नहीं है ये, तब क्या हो सकता है? तब ये घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, तो इसके सेंटर में बिल्कुल एक बीच में ये है कि जिससे इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन फिक्स है, थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ है तो ये पोजीशन फिक्स है, थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ है तब भी पोजीशन फिक्स है, और अपने फिक्स रखने के लिए आधा आधे पे होना चाहिए, तो कितना है ये दोनों बीच में 2 आर दूरी है, तो ये आर आर पे होना चाहिए, आर आर पे होना चाहिए, लेकिन ये तब है जब बाहर वाले पॉइंट के वोट रोटेट कर रहा है, इन दोनों के सेंटर मास के वोट रोटेट नहीं कर रहा है,